नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विरजे मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्टेशन तक चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन की कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 27 अक्टूबर 2006 में हुआ था। यह ट्रेन पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्टेशन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12054। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है हरिद्वार से अमृतसर जंक्शन तक, जिसका नंबर है 12053। इस ट्रेन को अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन किसी अन्य ट्रेन के साथ अपने रेक शेयर नहीं करती। यह ट्रेन अमृतसर से हरिद्वार तक तकरीबन 407 किलोमीटर अंतर 7 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 58 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को जन शताब्दी ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन अमृतसर जंक्शन से सप्ताह में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को हरिद्वार स्टेशन के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को अमृतसर से हरिद्वार तक ले जाने के लिए गाजियाबाद लोको शेड का WB7 या फिर WB5 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को नॉर्थन रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 9 कोच लगते हैं, जिनमें AC चेयर कार का 1 और सेकंड सीटिंग के 8 कोच शामिल रहते हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें अमृतसर से हरिद्वार तक का सेकंड सीटिंग का किराया रहता है 185 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल हैं। AC चेयर कार का किराया रहता है 620 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST शामिल हैं। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 4 राज्यों को जोड़ती है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकती है और 68 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी पंजाब राज्य के अमृतसर जंक्शन से सुबह 6:50 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1A से शुरू होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है ब्यास जंक्शन। ब्यास जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:18 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:20 पे रवाना हो जाती है जलंधर सिटी जंक्शन के लिए। जलंधर सिटी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:57 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद सुबह 8:02 पर रवाना हो जाती है फगवाड़ा जंक्शन के लिए। फगवाड़ा जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:22 पर रवाना हो जाती है लुधियाना जंक्शन के लिए। लुधियाना जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:57 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 9:02 पर रवाना हो जाती है सरिंद जंक्शन के लिए। सरिंद जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:00 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:02 पर रवाना हो जाती है अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरिंद जंक्शन जो है पंजाब राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है हरियाणा राज्य में ट्रैवल करेगी। हरियाणा राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है अंबाला कैंटोनमेंट जंक्शन। अंबाला छावनी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 9 मिनट के होल्ड के बाद 11:04 पर रवाना हो जाती है यमुनानगर जगाधरी स्टेशन के लिए। यमुनानगर जगाधरी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:41 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:43 पर रवाना हो जाती है सरहानपुर जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर जगाधरी स्टेशन जो है हरियाणा राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है सहारनपुर जंक्शन। सहारनपुर जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 12:18 पर रवाना हो जाती है रुड़की स्टेशन के लिए। दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सहारनपुर जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है उत्तराखंड राज्य में ट्रैवल करेगी। उत्तराखंड राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है रुड़की। रुड़की स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 1:02 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 1:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अपनी यह ट्रेन अमृतसर से हरिद्वार तक तकरीबन 407 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।